Hi student, welcome to RCI Azuhub online classes. Class 12 subject biology topic blood group. Blood group के अंदर last जो video था उसके अंदर हम discuss कर रहे थे उनकी खोज के बारे में, antigen antibody के बारे में और रुधिर समूह जो है वो मानव के अंदर दो प्रकार के तंत्र थे, ABO तंत्र और RH तंत्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट जो तंत्र होता है ABO तंत्र इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से इस तंत्र में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ABO जो तंत्र होता है इसमें दो प्रकार के एंटीजन होते हैं जिनकी खोज एंटीजन ए और एंटीजन बी इन दोनों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। इसके अनुसार एंटीजन ए और एंटीजन बी जो होते हैं ये आरबीसी की झिल्ली पर पाए जाते हैं। आरबीसी जो होती है उसकी झिल्ली पर ये उपस्थित होते हैं। ये एंटीजन जो होते हैं वो एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यहाँ पर एंटीजन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती है। अब ब्लड प्लाज्मा जो है ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनते हैं। यहां पर अगर बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन बनते हैं आरबीसी झिल्ली पर और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में इसका निर्माण होता है। एंटीबॉडी ये भी दो प्रकार की होती हैं, ए और बी, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी। यहाँ मानव में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर वर्ग जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं जिनको हम एक सारणी के माध्यम से टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे यहाँ क्रम संख्या, इसके बाद यहां पर रक्त समूह, इसके बाद आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन, आरबीसी पर प्रेजेंट प्रतिजन या एंटीजन, प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी देखिए सबसे पहले रक्त समूह ए बी और ओ। अब आरबीसी जो है उस पर उपस्थित प्रतिजन ए के ऊपर जो प्रतिजन होगा उसे ए बी यहां पर कौन से प्रतिजन यहां पर होंगे दोनों और यहां पर रहेगा अनुपस्थित। प्लाज्मा में एंटीबॉडी
इसके विरुद्ध बी बनेगी, इसके विरुद्ध ए, यहाँ पर इन दोनों के एब्सेंट और इसमें